वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फैशन ब्यूटी सिन में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो अगर आप भी अगर 6-35 कलर करना चाहते हो फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो फ्रेंड्स अगर आप ये कलर करने जा रहे हो 6-35 आप देख सकते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए और आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिलेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 6-35 कलर। अगर आप ये वाला कलर करने जा रहे हो सबसे पहले आपको करना क्या होगा फ्रेंड, मान लो आपके क्लाइंट ने ये वाला कलर चूज़ कर लिया कि हमें 6-35 कलर करना है अपने बालों में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड आप अपने क्लाइंट का हेड वॉश करो, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आप हेड वॉश जरूर करें क्लाइंट का, क्योंकि जो भी उनके बालों में ऑयल वगैरह लगा हो या कुछ भी वो अच्छे से साफ़ हो जाए तभी आपका कलर अच्छे से आएगा। अगर ऑयल लगा होगा फ्रेंड तो जो हमारा कलर होता है स्लिप हो जाता है तो अच्छे से कलर नहीं आता फ्रेंड्स, इस बात का अच्छे से ख्याल रखें। आपको हेड वॉश करना है, उसके बाद में बाल को सुखाना है। तो आपको लेना है सबसे पहले 6-35 कलर, आप देख सकते हैं वार्म डार्क ब्लोंड 6-35 ये कलर मैट्रिक्स का है। इसकी जो मिक्सिंग रेशियो रहेगी फ्रेंड्स 1:1.5 रहेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें लेना है 6-35 कलर। जितना हम कलर लेंगे, मान लो ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो ट्यूब आती है फ्रेंड्स वो 90 ग्राम की आती है। अगर हम पूरी ट्यूब ले रहे हैं फ्रेंड्स तो हम ये 135 जो है ml डेवलपर लेंगे। अगर हम हाफ ट्यूब ले रहे हैं फ्रेंड्स तो फिर उसका हम 1.5 गुना डेवलपर लेंगे, मतलब कि 67 ग्राम। ओके फ्रेंड, तो हमने मान लो आपने ट्यूब ली, जितना ट्यूब लेंगे उसका 1.5 गुना आप डेवलपर लेंगे। और अगर आप ज़्यादा थिन बाल हैं क्लाइंट के तो आप 40 वॉल्यूम से करेंगे फ्रेंड, और अगर ज़्यादा थिन बाल नहीं है ठीक ठाक बाल है फ्रेंड तो आप 30 वॉल्यूम से करेंगे हम कलर को, ठीक है फ्रेंड। तो हम दो कलर लेंगे, डेवलपर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे 1:1.5 की रेशो में फ्रेंड। उसके बाद में मिक्स करने के बाद फिर हमें कर देना है हाईलाइट या ग्लोबल, जो भी आप करना चाहते हो फ्रेंड क्लाइंट के ऊपर आप कर दो। और इसकी टाइमिंग क्या रखनी है फ्रेंड, इसकी टाइमिंग जो रखनी है हमें वो रखनी है 30 से 45 मिनट के बीच में। 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में जो है आपका जो कलर आ जाएगा क्लाइंट के ऊपर अच्छे से फ्रेंड्स, 45 मिनट तक आपका कलर आराम से आ जाएगा क्लाइंट के बालों पर फ्रेंड। और आपको बीच में खोल के चेक करते रहना फ्रेंड्स कि कलर हो रहा है अच्छे से। अगर मान लो नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड, तो आप ब्रश की मदद से खोल के फॉइल पेपर को अच्छे से उसके ऊपर फिर से मतलब कि ब्रश को घुमा दो अच्छे से कि कलर आ जाए ठीक से। नेक्स्ट फ्रेंड 40 मिनट के बाद आप देखोगे कि अगर आपका कलर ठीक ठाक आ गया फ्रेंड्स अच्छे से आ गया तो आप हेड को वॉश कर लो उनके अच्छे से, मतलब कि हेड वॉश कर लो, आपका कलर बिल्कुल अच्छा आ जाएगा फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर करके देखिए 6-35 कलर बिल्कुल अच्छा कलर आता है फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स एंड समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।